दोस्तों एक और बात, जैसे कि हम जैसे मैं आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो ना सिर्फ अपना, चाहे सरबजीत की बात करूं, कुश की करूं, जनार्दन की करूं, चेतन, हम जितने दोस्त हैं, जितने साथी हैं, है ना, मैं मतलब राजेश मोदी जी की, मतलब जितने लोगों की बात करूं, बहुत सारे मेरे साथी जिनके मैं नाम नहीं ले पाता, है ना, जैसे कि मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने जीवन से जो आम इंसान चाहता है उससे बहुत ज्यादा चाहत करी, पाने की कोशिश करी और उसके लिए प्रयास करा, तो हम अप टू सर्टन लेवल किसी जगह तक पहुंच गए हैं, कुछ अचीव कर लिया है, अब उन बातों की आदत हो गई है, अब पूरी जिंदगी हम बड़ा ही चाहते रहेंगे, है ना। तो उसके लिए हमने पहले कोशिश करी, थोड़ी मुश्किलें आई, जब नेचर ने, कुदरत ने देखा कि ये लोग नहीं हट रहे हैं, तो नेचर ने वो हमें देना शुरू किया जो हम चाहते थे। ये सबके साथ करती है नेचर। ये ऐसी बात है जैसे अगर हम अगर क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच के अंदर एक बॉल पे जो सबसे ज्यादा रन बनाए जा सकते हैं, नो बॉल, वाइड बॉल, इनको छोड़ देते हैं, अगर बैट से को टच करके सबसे ज्यादा रन बनाए जा सकते हैं तो मेरी समझ में 6 रन है ना। और अगर एक वहां पर जहां क्रिकेट खेल रहा होता है प्लेयर, उसके आगे एक लाइन लगी होती है, अगर उस लाइन में खड़ा रख के होके खेलेगा तो उसको पीछे स्टंप आउट नहीं किया जा सकता है, पीछे से विकेटों से बॉल नहीं मारी जा सकती। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे प्लेयर छक्का मारने के लिए सेफ्टी लाइन से बाहर आ जाते हैं, उस लाइन को जो खींचा जाता है उसको सेफ्टी लाइन कहते हैं, उसके अंदर खड़े होके बैट्समैन को खेलना होता है, अगर उससे बाहर जाके खेलेगा तो स्टंप आउट होने का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन जब बॉल, जब बैट्समैन ये देख लेता है कि ये बॉल मेरे मतलब की है, तो वो उस रिस्क को, उस खतरे को उठाता है और वो सेफ्टी लाइन से बाहर आता है और बाहर आके बॉल को हिट करता है, तो उस वक्त जो बैट्समैन की चाहत है ना, वो चाहत एक बॉल पे मैक्सिमम रन लेने की है। ऐसे ही हम भी वो बैट्समैन बनने की चाहत रखते थे, वही तमन्ना थी कि हम भी क्रीज से बाहर निकलकर छक्का मारें। आज आप क्रिकेट में देखते होंगे बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो सेफ्टी लाइन के अंदर खड़े खड़े छक्का मारते हैं, लेकिन इन्होंने पहले क्रीज से बाहर निकल निकल कर छक्के मारे हैं। अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है, इतनी इतना सपोर्ट सिस्टम आ गया है, इतना नो हाउ आ गया है, अब उनको बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। पहले हमको भी क्लोजिंग करनी होती थी तो हम बहुत देर लगाते थे, बहुत बातें करते थे, तब कुछ लोग मानते थे कुछ नहीं मानते थे, जब एविडेंसेस खड़े हो गए तो बहुत कहना नहीं पड़ता, दोस्त ही पूछते थे यार क्या यार तूने तब बोला था नहीं किया अब कर सकते हैं, तो हम बोलते थे ठीक है अब भी कर सकते हो। सो अगर आपकी भी तमन्ना जीवन में कुछ बड़ा पाने की है, बड़ा करने की है, अगर आप भी क्रिकेट के लिए, क्रिकेट में उस प्लेयर की तरह हैं जो छक्का मारना चाहते हैं, तो सेफ्टी लाइन से बाहर आने से डरिए मत। ये रिस्क हमेशा बना रहेगा कि अगर बॉल ठीक बैट पे नहीं आई तो आउट हो सकते हैं, अगर बॉल मिस हो गई तो स्टंप आउट हो सकते हैं। उसके बावजूद उस गेम के अंदर लोग क्रीज से बाहर निकलते हैं, लोग पूरी ताकत से बैट घुमाते हैं, कुछ आउट होते हैं, कुछ छक्का मारते हैं, जो आउट होते हैं वो सीख के दोबारा आते हैं और दोबारा फिर छक्का मारते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये आप लगातार प्रयास करते रहें।